And Himachal Pradesh, the Himachal Congress government has uh, bounced back from the brink. Sukhwinder Sukhu will remain the chief minister. The Congress has managed to quell dissent and avert a crisis uh, to their last heartland state, putting up a joint show of strength in the Himalayan state with Sukhwinder Sukhu. Meanwhile, all six Congress rebels have been disqualified under the anti-defection law, but the rebels have now moved the high court against their disqualification.

वो दूर किए गए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे ठाकुर इस लेट मी ट्राई टू गेट इन अ वर्ड फ्रॉम हिम सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ कर दी है कांग्रेस पार्टी ने कि सुखविंदर सिंह सुखू ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे प्रदेश के आप ये कह रहे थे कि उनको खुद ही हट जाना चाहिए इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी उनको हटाए अब जो स्थिति बनी उसको आप किस तरह देखिए मुझे मालूम नहीं है ये कांग्रेस पार्टी के का अंदर का निर्णय है उनक, उनकी पार्टी का निर्णय उसमें आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ये हालात किसके नेतृत्व तो में हिमाचल प्रदेश में ऐसे बने किसके कारण बने किस वजह से बने और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा ने कहा कि हम कई महीनों से कई सालों से जलील हो रहे हैं अध्यक्ष ही बोल रही है तो आप कल्पना कर सकते हैं उनका बेटा मंत्री है वो मंत्री बोलते हैं कि जलालत का दौर खत्म ही नहीं हो रहा है बार बार जलालत हो रही है हमारी और उसके बावजूद हमसे कहाँ पूछा जा रहा है हमसे इस सारे जो है वो इसके लिए हमको दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं है दोषी है तो वो हैं और आखिरकार उनके विधायक अगर नाराज हो कर के उनसे दूर गए हैं कोई तो वजह होगी और सरकार बची रहेगी आपको लगता है पाँच पूरी करेगी अपने मुझे तो सिर्फ इतना कहना है मुझे हालात नहीं लगते हैं अभी हालात जिस प्रकार के बने हैं और हम नहीं गिरा रहे हैं और वो गिरेगी तो अपने अपने ही दम से वो गिर जाएगी अपने ही हालात में गिर जाएगी वो एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हमने एक बागी विधायक रवि ठाकुर उनसे बात की वो ये कह रहे हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है और उन्होंने अपने अंतरात्मा की बात सुनकर हर्ष महाजन को वोट दिया था इस इसको आप क्या कहेंगे देखो उनको क्या अधिकार है ये हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो एक अधिकार है अपने मत का इस्तेमाल करना और उनने अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए किया है और मुझे नहीं लगता कि उसको बुरा मानना चाहिए था उनको इस प्रकार से और यहाँ तक कि उनको जिस प्रकार से उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है उनके घर का रास्ता बंद कर दिया और एक और दूसरे विधायक हैं जिनका व्यवसाय बंद कर दिया एक दिन में ही ये हालात बन गए मुझे लगता है कि ये बहुत नीचता का, का काम कर रहे हैं और ऐसी चीजों का करना जो है किसी के हित में नहीं होता है उससे बुरा होता है कांग्रेस का और भी विधायक ना, नाराज है आपको ऐसा लगता है मुझे तो लगता है बहुत सारे नाराज हैं कांग्रेस पार्टी के लोग त्याग पत्र दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में ये हाल है तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे हालात हैं।